हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंदर आने वाले जो सभी महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो लेंस का जो फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे पहले हम लेंस की बात करते हैं। तो लेंस के लिए जो आपको सूत्र है वो याद रखना है। देखिए, 1/f बराबर होता है दोस्तों 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला है, याद रखना है। तो लेंस में यहाँ माइनस का चिन्ह आता है। और इसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन निकालना है हमें, यानी कि आवर्धनता निकालनी है, तो इसमें दोस्तों h डैश यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और h क्या है यहाँ पे, बिंब की ऊंचाई है। अगर हमारे पास ये दोनों नहीं है तो दोस्तों हम v/u का इस्तेमाल करके भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया लेंस सूत्र। दोस्तों यहाँ पे एप क्या है, यहाँ पे एप है फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी। यहाँ पे वी क्या है, वी यहाँ पे है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है प्रतिबिंब की दूरी। यू यहाँ पे क्या है, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी किससे है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान रखना कहाँ से है, प्रकाश की केंद्र से, ओ से। अब बात करते हैं यहाँ पे वी, वी क्या है, यहाँ पे वी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है बिंब की दूरी। तो ये है लेंस सूत्र। अब दोस्तों दर्पण सूत्र भी कई बार आपको डाउट कर देता है, क्योंकि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में डाउट होता है। तो देखिए, लेंस में यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा तो इसमें प्लस का चिन्ह है, जबकि दर्पण फॉर्मूला दोस्तों 1/f बराबर 1/v, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। तो ये है आपका दर्पण सूत्र। यहाँ दर्पण ध से धन का चिन्ह, तो ध से धन का चिन्ह है तो यहाँ धन का चिन्ह लगेगा, और यहाँ लेंस यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा, लेप्स। अब दोस्तों यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर दर्पण के लिए निकालना है तो वही h/h। अगर h/h नहीं है हमारे पास, यानी कि हाइट ऑफ प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है और बिंब की ऊंचाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ धन का निशान है तो यहाँ आपको माइनस रखना पड़ेगा, तो -v/u। तो दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेंस वाला लेंस का जो है एक सवाल आता ही आता है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखना है, और यहाँ प्लस है दर्पण के लिए तो यहाँ माइनस रखना है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। वो कि वही फोकस दूरी एफ है, वी यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है, यू यहाँ पे बिंब की दूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं अपन, आवर्धनता हो गया हमारा, अब बात करते हैं अपवर्तनांक। तो दोस्तों अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक जो होता है वो होता है एन एम बराबर c/v। सी यहाँ पे क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। तो दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में फिक्स होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती 3×10^8 m/s। और यहाँ v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि कोई भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल दी हुई है और निर्वात में प्रकाश की चाल है, उसका जो अनुपात है वो क्या है, वो है दोस्तों अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है अपवर्तनांक। अब हमें मान ले जाए माध्यम में प्रकाश की चाल दे देते कई बार, तो ये v ऊपर रख दो और c/nm, यानी कि अगर अपवर्तनांक दिया हुआ है तो प्रकाश की चाल 10×10^8 m/s। और हम अपवर्तनांक का भाग देंगे, यानी कि nm, यानी कि जो भी आपको दिया हुआ है उसका भाग दे दो, तो उस संबंधित माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाती है। जैसे पानी में प्रकाश की चाल पूछी गई है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी का अपवर्तनांक का हमें भाग देना है, यानी कि जल का अपवर्तनांक का भाग देना है। तो ये आ जाएगा आपका उस माध्यम में, यानी कि जल में प्रकाश की चाल कितनी है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक वाला। अब हम दोस्तों पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की जो क्षमता है, पावर ऑफ लेंस, यानी कि पी बराबर जो होता है 1/f, यानी कि पावर ऑफ लेंस फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। यानी कि पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगा कब, तब जब फोकस दूरी कम होगी। और इसका जो मात्रक है दोस्तों, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है,
डायोप्टर यानी कि डी से शो किया जाता है। अब दोस्तों उत्तल जो लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी एफ होती है वो प्लस में होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो होती है माइनस में। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो उत्तल लेंस है उसकी जो क्षमता होगी वो प्लस में आएगी और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो माइनस में आएगी। जब भी आपको जैसे मान लिया जाए प्लस 2D दिया हुआ है, इसका मतलब कौन से लेंस की बात की जा रही है, उत्तल लेंस की। कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की। जब मान लिया जाए माइनस 1D दिया हुआ है या माइनस 2D दिया हुआ है तो कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, वो है अवतल लेंस। तो ये हमारा पावर ऑफ लेंस हो गया और इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो इस तरह से हम इसका भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे लेंस से संबंधित सवाल हुए। अब दोस्तों विद्युत धारा से संबंधित क्या क्या हमारे जो फॉर्मूले बन सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले विद्युत धारा यानी कि I। तो दोस्तों विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर होती है विद्युत धारा I। तो I बराबर क्या होता है, Q/T यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। तो देखिए आवेश का मात्रक कूलाम है और समय का मात्रक सेकंड है, तो कूलाम बटे सेकंड बराबर क्या आ जाता है, एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। दोस्तों क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर निकालें तो ये आई गुणा टी, क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आवेश पूछा जाए तो आई और टी में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। अब दोस्तों अगला आता है हमारा विभवांतर। तो दोस्तों विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, विभवांतर। तो V बराबर होता है W/Q। W यानी कि कार्य का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम इसका जो मात्रक आ जाएगा दोस्तों वो होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। और विभवांतर मापने का जो यंत्र है वो है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। जबकि विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, एमीटर से। और एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में। तो ये हमारा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ये क्या मापता है, विभवांतर। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है। इसका मात्रक जो है विद्युत धारा का एम्पियर है, जबकि विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो ये हमारा क्लियर हुआ, यानी कि V बराबर W/Q। अब दोस्तों अगला जो है हमारा वो है अगला आता है दोस्तों हमारा ओम का नियम। क्या आता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, क्षेत्रफल, सेक्शन एरिया, इन सबको अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो चालक के दो सिरों के मध्य जो बहने वाली जो विद्युत धारा V है वो बहने वाली विद्युत धारा I जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि V बढ़ाने पर, विभवांतर बढ़ाने पर I का मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ समानुपाती जब स्थिरांक को हटाते हैं तो यहाँ R आ जाता है। R क्या है, यहाँ पे R चालक का प्रतिरोध है। क्या है, चालक का प्रतिरोध, जो कि एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है, यानी कि नीतांक है। देखिए जब हम विभवांतर निकालना है तो R और I यानी कि IR का गुणा कर देंगे। अगर R पूछा जाए तो R बराबर V/I है, यानी कि V का मात्रक क्या है, वो है वोल्ट, और I का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर बराबर आ जाता है दोस्तों ओम। क्या आ जाता है, ओम। तो ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। किसका मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक है दोस्तों वो है ओम है। क्या है, ओम। और इसका जो चिन्ह है ये वाला होता है। अब बात करते हैं प्रतिरोध। अब देखें यहाँ पे I नीचे है और R ऊपर है, यानी कि R अगर ज़्यादा होगा तो I का मान क्या होगा, कम। यानी किसी चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा उसमें उतनी ही कम प्रवाहित होगी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो करंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित होगा। इसका मतलब क्या है, अब जिस जैसे चांदी जो है सबसे ज़्यादा चालक है, चांदी विद्युत की क्या है, सबसे ज़्यादा चालक है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक है। तो ये हमारा ओम का नियम क्लियर हुआ, V बराबर IR, R बराबर V/I।
तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ओम का नियम या ओमला। अब बात करते हैं ओम का नियम हो जाने के बाद प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा जाए जिससे उनका जो टोटल प्रतिरोध कम हो जाए। तो दोस्तों जो प्रतिरोधों को दो क्रम में जोड़ते हैं, एक जोड़ते हम श्रेणी क्रम में और दूसरा जोड़ते हम समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो टोटल जो प्रतिरोध आता है, वो जो टोटल श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि जितने भी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो टोटल श्रेणी क्रम का प्रतिरोध आ जाता है। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिरोध है बहुत ही अत्यधिक होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। और दोस्तों श्रेणी क्रम में जो जोड़ने पर प्रतिरोध को I का मान यानी विद्युत धारा का मान क्या होगा? समान होगा। जबकि V का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। V का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अब दोस्तों बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में जब भी धारा डिवाइड होती है दो अलग अलग पार्ट में, तो हम कह सकते हैं कौन सा क्रम है? ये है दोस्तों समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन को 1/RP तुल्य प्रतिरोध, इसका जो फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूले से हम समांतर क्रम संयोजन का जो टोटल है तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। दोस्तों समांतर हमारे घरों के अंदर जो लाइट है, जो उपकरण है, वो समांतर क्रम संयोजन में ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध जो होता है, टोटल जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों इसमें विद्युत धारा का मान इसमें I1 होगा और इसमें I2 होगा। इसका मतलब क्या है? समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान अलग होगा, यानी कि I का मान क्या होगा? अलग अलग होगा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। जबकि V का मान यानी कि वोल्टता का मान क्या होगा? समान होगा। दोस्तों हमारे घरों में जो विभवांतर होता है, वोल्टता का मान 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं हमारे उपकरण, और समांतर क्रम में ही जुड़े हुए रहते हैं। श्रेणी क्रम में जो सीरीज होती है, जैसे ट्यूबलाइट्स जो होती है, रोड लाइट, जो डेकोरेशन की सीरीज होती है, उनमें उपकरणों को या उनमें सीरीजों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि सब में करंट एक समान गति से प्रवाहित होता है। जैसे कोई भी प्रतिरोध है, इस तरह से अगर हैं जुड़े हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो यहाँ जितना करंट बह रहा है उतना ही इस प्रतिरोध में बहेगा, उतना ही इस पर बहेगा। तो ये हमारे क्लियर हुआ कि किस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन और किस तरह से समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विद्युत शक्ति। क्या है? विद्युत शक्ति। तो दोस्तों विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है? दोस्तों जो पावर बराबर होता है, P बराबर VI। क्या होता है? VI यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा का मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्युत शक्ति आ जाती है। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। यानी कि वाट क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। अब दोस्तों अगर हमें V और I दिया हुआ है तो हम पावर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर होता है IR। क्या होता है? IR, जैसा कि हमने अभी देखा ही था। तो यहाँ हमें अगर मान लें V और I दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पावर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी अगर मान लिया जाए V और I नहीं दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तब हम इस V में ये फॉर्मूला का मान रख देंगे। दोस्तों P बराबर V की जगह हम रख दो IR, और एक और I यहाँ पे है, तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? I²R। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, यानी कि जब हमें करंट दिया हुआ है, विद्युत धारा दी हुई है और प्रतिरोध दिया हुआ है, तब भी हम इलेक्ट्रिक पावर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों, यदि I बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें I बराबर V/R होता है। क्या होता है? ओम के नियम में I बराबर V/R। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे? I का मान रख देंगे। तो P बराबर I का स्क्वायर क्या होगा? V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, और R यहाँ पे है तो एक R से एक R कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब क्या है? अगर हमें प्रतिरोध और विभवांतर दिया हुआ है तब हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे विद्युत शक्ति के लिए। अगर हमें प्रतिरोध और विद्युत धारा दी हुई है तब ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, और हमें अगर मान ले जाए V और I दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।
तो दोस्तों क्लियर हो गया आपके तीनों फॉर्मूले विद्युत शक्ति निकालने के लिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हैं। अब दोस्तों एक और है जूल का नियम। तो जूल का नियम क्या कहता है, जो किसी चालक, कोई भी चालक तार है उसके जो प्रतिरोध है उसमें कोई करंट बह रहा है तो वो प्रति सेकंड ऊष्मा रिलीज करता है, यानी कि जूल का ऊष्मीय नियम। तो जो वो जो ऊष्मा जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के प्रतिरोध के और टाइम के समानुपाती होती है, यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती, प्रतिरोध बढ़ने पर जो रिलीज होने वाली ऊष्मा भी बढ़ेगी, टाइम ज़्यादा देर तक अगर उपकरण को चलाएंगे तो जो ऊष्मा भी ज़्यादा रिलीज होगी और जो धारा है वो वर्ग के समानुपाती होती है। तो दोस्तों H बराबर क्या आता है, आई स्क्वायर आर टी आता है। ये किसका नियम है, ये दोस्तों है जूल का ऊष्मीय नियम या जूल का तापन नियम। कौन सा नियम है, जूल का तापन नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमने देखे और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों हम मान ले जाए कि हमें कोई प्रतिरोध दिया हुआ है, मान लिया जाए उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी कि कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध हमें 12 ओम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 12 ओम, यानी कि R दिया हुआ है। और हमें मान लिया जाए विभवांतर भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, विभवांतर है 220 वोल्ट। और हमें पूछा गया कि P बराबर, तो दोस्तों P बराबर VI वाले फॉर्मूले का यूज करोगे आप, V का मान रख दोगे IR, तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी हमारे काम में नहीं आ रहा है, और P बराबर वी आई का स्क्वायर बराबर होगा V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, या एक R से एक R कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, V का स्क्वायर अपॉन R। तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, यानी कि कोई चालक का प्रतिरोध 12 ओम है, विभवांतर यानी कि वोल्टता 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर बराबर V बराबर ये वाला फॉर्मूला आप काम में लीजिए, तो V का स्क्वायर यानी कि 220 वोल्ट है, और इसको दो बार कर दीजिए 220 वोल्ट, और नीचे जो R है प्रतिरोध है वो है 12 ओम। तो दोस्तों जब हम इसको काटेंगे तो 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2 जीरो हो जाएगा, फिर से 2 से कटेगा 2 3 6, और ये 55 बार जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। अब दोस्तों 55 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा?